नमस्ते प्रणाम, कैसे आप सभी। वेलकम बैक अनदर ब्लॉग। और बड़ी ब्लॉग की आदत हम डाल रहे हैं आप लोगों को, आप लोग देखिए हमारा बड़ी ब्लॉग, क्योंकि एक मिनट के शॉर्ट्स में हम सारी चीज़ें नहीं दिखा सकते हैं। तो मेरी एक दोस्त आई है, गुड़गांव रहती है, जहाँ हम जाते हैं ना गुड़गांव में, तो वहाँ पे जिसके यहाँ स्टे करते हैं वो दोस्त है मेरी। तो मेरी अभी पटना में आई है, तो आने के बाद बोल रही है होटल वगैरह लेना है कि तुम्हारे पास रह जाएंगे। तो हमारे रहते उसको होटल में रहना पड़े, मतलब हमको लात मार के भगा दो। चलिए बाहर आ गए, चलते हैं। तो दोस्त हमारी आ चुकी है, ये देखो खाना भी दीदी ने बनाया है, कितना प्यारा खाना। ये क्या है दीदी? वेजिटेबल राइस। दीदी के मुंह में बकार नहीं है। तो इसमें सोयाबीन है, आलू है, चावल है, मसाला है, और मस्त इतना हेल्दी खाना दिख रहा है ना, बहुत कम मसाला है, मजा आ गया एकदम। चलो जाते जाते कम से कम घर का खिलाई, नहीं तो भोरे तो तुम 6 बजे बनाइबे की, सबको पता है ना। तुम्हारा बाल बहुत अच्छा लग रहा है। कम बोलती है बचपन से, मतलब इसको ज्यादा प्यार मिला ना तो कम बोलती है, हमको कम मिला तो हम चढ़े रहते हैं दिमाग पे सबके। खाओ ना। ये मेरी दोस्त है गुड़गांव वाली। हेलो गाइस। वैसे है ये गोपालगंज से, नहीं गोपालगंज वाली, गोपालगंज वाली है, गोपालगंज से बट रहती गुड़गांव में है, जॉब करती है, पढ़ाई करती है। और हम जब भी जाते हैं वहाँ नोएडा और गुड़गांव साइड में तो इसी के यहाँ स्टे करते हैं। तो ये पटना आई तो बोल रही थी, हमसे पूछ रही थी, मतलब ऑर्डर ले रही थी कि तुम्हारे यहाँ रुक सकते हैं क्या। तो हमने भाई इसमें पूछने वाली क्या बात है, और अगर दोस्तों के मेरे यहाँ नहीं रुकी तो मतलब कि मेरे को तो नाले में जाकर कूद जाना चाहिए क्या दीदी, है ना। हाँ ऐसे ऐसे कर रही हो, तो दोस्तों में तो इतना चलता है भाई, कैसे रुक सकते हैं। और एक चीज़ खास बात जानती हो, मैं वहाँ गई थी ना गुड़गांव, तो इसने भी यही खाना बनाया था। अभी पूछवा दूँ मैं, अभी यहाँ पे वो नहीं है ना, नहीं है ना, अभी वो आएगी तो देखो। निशा yes. अच्छा मैं तुम्हारे यहाँ थी तो तुम क्या बनाई थी खाना? तहरी। अभी जो हम क्या खा रहे हैं तहरी, सेम है ना। हाँ। मैच हो गया, देखो बताए ना, यही खाना बनाई थी और बहुत हेल्दी बनाई थी, बहुत टेस्टी लग रहा था। और आज का भी दीदी बनाई है, बहुत टेस्टी लग रहा था। हाँ यार मजाक करेंगे क्या तुमसे, हम तो दोस्तों का मुंह पे बेइज्जती कर देते हैं खुद, जो भी कुछ गलत लगता है तो हम भौकाली वाला बड़ाई किसी का नहीं करते हैं, गलत वो चीज़ गलत। देखना कोल्ड ड्रिंक का डिब्बा खोल के रखे हैं, गिर ना जाए, ढक्कन खुला हुआ है उसका, इधर रख दे इधर, मेरे को लगेगा, मेरे को लगता है कोल्ड ड्रिंक खाने का टाइम। बहुत गंदी आदत है वैसे ही, मतलब बाद में ना वो होता है, कभी कभी पीते हैं बहन। अभी दीदी आई तो खरीद के लाए हैं, वेट गेन हो जाता है खाना खाने के बाद, अगर तुम तुरंत पियोगे ना। बड़ा कहाँ रहा है कहाँ लगाना है, अच्छा खासा तुम्हारा है? है मेरा, तुम भी तो गली हुई है, स्टॉक इधर है, यहाँ से हटके यहाँ लग गया। इसका मुंह पतला हो गया, मोटा हो गया, इसका तो लगता ही नहीं, इसका बातें हटाओ, हड्डी है। दोस्तों इंजॉय कर रहे हैं फूड। तो दीदी अभी जा रही है, इसका हो गया दाना पानी हमारे घर का। क्या खा रही है तुम? प्रसाद। अच्छा कल वाला, ठीक है, पैसा रुपये तो दे दिए हैं, बैग मत दिखाना कहाँ रखे, ट्रेन में लूट लिया सन। ठीक है, तो हम दोनों बहन का जन्मदिन आता है 30 अगस्त को, मतलब आज से 3 दिन बाद है ना। तो हम दोनों जुड़वा नहीं है लेकिन डेट एक ही है, तो इसके लिए हम एगो चीज़ खरीदे हैं, दे दे का छोड़, नहीं देती ना, दो नहीं छोड़, दो छोड़ना नहीं, तो का कमी बा, भगवान की कृपा से अच्छा घर में बिया हो जाई, सोना चांदी मिली जाई, दूसरा काची की कमी बा ना, लेकिन तू दे, बोलती पब्लिक दे दे। तो ये एक लिए थे लो, सो देखने में लग रहा है बट इसमें भरे नकली है, देखो सच्ची। हाँ क्या लगता है, असली है? हाँ असली है। कैसे पता? पता है बस, सोने का पहचान है पक्का। तो ये लो हमारी तरफ से हमेशा पहनने के लिए घर पे गिफ्ट, ठीक है, खुश खुश ना, बहुत पक्का। हाँ। मम्मी को मत बताना, नहीं तो रख लेगी, बोलेगी तेरा ब्याह में दे दे, है कि नहीं। मम्मी लोग यही सोचता है खाली कि रख दे ब्याह में दिया ही, हमको कुछ नहीं चाहिए, बस क्राइम पार्टनर बनी रहो, और क्या चाहिए, है ना जिंदगी में। नहीं नहीं फिर भी बताओ बर्थडे में क्या दे, चॉकलेट एक दे देना, ऐसे भी रहेंगे नहीं यहाँ हम, है ना, तुम्हें वो केक मंगाए खा लेना, चॉकलेट चाहिए। हाँ रुको देते, नहीं नहीं मत दो मत दो, मेरा ही चॉकलेट उठा के मुझे मत दो भाई। रहने तो नहीं चाहिए, ठीक है ओके, खरीद के भेजेंगे, ओके रख लो, 2 दिन बाद वीडियो डालेंगे, नहीं तो पता चला अभी ट्रेन में तो भेटा ही लिया छीन लगा सन दिले भी सृष्टिया, तो 2 दिन बाद वीडियो डालेंगे, ठीक है ठीक है, तो रखो उसको वहीं रही हो, पॉकेट में लेके जाएंगे। ओके हमको करना है अभी एक ब्रांड का शूट, और मुंह पे देखो कितना सारा दाग है, तो फाउंडेशन चिपने जा रहे हैं, पहली बार लगाते हैं नहीं, गिर रहा
मेकअप करने नहीं आता, बस इसको ढक रहे हैं, ढका जाए कैसे भी। तो अब मेरी दीदी जा रही है तो हम इसको छोड़ने पाटलिपुत्र स्टेशन जा रहे हैं, और शुक्र की बात यह है कि सामान भी हम इसी से ढोवा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं स्टेशन इसको छोड़ने। और कितने बजे की ट्रेन है? 3:15 का ट्रेन है दोपहर का, तो चल रहे हैं। और बारिश का भी मौसम हुआ है, काफ़ी अच्छा मौसम है, बट थोड़ा सा उमस जैसा है। अभी हवा चल रहा था लेकिन अभी उमस जैसा हो गया। चलिए चलते हैं, आ गए हैं इसको छोड़ने पाटलिपुत्र। सामान भी इसी से ढोवा रहे हैं। ओके बाय। ओए बाय जाओ।